नमस्कार दोस्तों, अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और अचानक से प्रशासन के द्वारा दोस्तों बड़ा फैसला लिया गया है। 30 अप्रैल 2023 तक कई त्योहारों पर पाबंदी लगा दी गई है तथा दोस्तों 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू कर दी गई है। कई जो मुख्य त्यौहार हैं उन पर पाबंदी लगा दी गई है और जो भी उल्लंघन करेगा, उल्लंघन करने पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में खुफिया एजेंसियों से प्राप्त सूचना के मुताबिक होलिका दहन, होली, शब ए बारात, रामनवमी, गुड फ्राइडे, रमजान और परीक्षाओं के दौरान जो असामाजिक तत्व हैं उनके द्वारा माहौल बिगाड़ने की आशंका जताई जा रही है। बरेली डिस्ट्रिक्ट जिला मजिस्ट्रेट शिवकांत द्विवेदी ने निर्देश दिया है कि आने वाले त्योहारों को देखते हुए जिले में 30 अप्रैल 2023 तक धारा 144 लागू कर दी गई है। आने वाले त्योहारों को शांति, भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाने के लिए हमने सभी समुदाय के लोगों से बातचीत की है। इन त्योहारों में होली, शब ए बारात, रामनवमी, गुड फ्राइडे और रमजान के मद्देनजर DM शिवकांत द्विवेदी ने सभी थाना क्षेत्रों में निषेध लागू कर दी है, यानी कि धारा 144 लगा दी है। बगैर अनुमति के जुलूस, प्रदर्शन और शोभा यात्रा पर पाबंदी लगा दी गई है। 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू रहेगी। त्योहारों और परीक्षाओं के दौरान लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए दोस्तों धारा 144 लागू करनी पड़ी है। आप चाहे किसी भी राज्य में रह रहे हो, हर राज्य की अपडेट आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले उपलब्ध होगी। इसलिए अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। हमें बता दें कि सार्वजनिक स्थान हैं उन पर भी यहां पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और धारा 144 के उल्लंघन पर धारा 188 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद आपको नई जानकारी लेकर। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।